परेश सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू, आप जैसे लोग और इतने अच्छे खूबसूरत लोग ऐसे गानों पे डांस करते हैं और फिर इनका क्या क्या यू नो ऐसा डांस फ्लोर पे क्या होता है हमको पता है, कैसा हश्र होता है. सो गिव इट अप फॉर देम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन. गल बन जाएगी अगर ऐसा डांस करना आ जाए सबको. एंड यहाँ पे इज दिस समवन लाइक गर्ल्स वर्सेस बॉयज, कुछ ऐसा है उर्वशी? है ना, देयर इज अ क्लैश. सो यहाँ पे देयर आर सो मेनी गाइज एंड सो मेनी गर्ल्स. सो अपनी अपनी टीम, मुझे पता है आपने चैलेंज भी किया था ऐसा विद्युत को कि यार लड़कियां ज्यादा ऐसा अच्छा डांस कर सकती हैं. सो अपने लिए दो लड़कियां चुन लीजिए यहाँ से जो यहाँ आने वाली हैं. दे गोना डांस विथ यू, कम ऑन हरी अप. एंड विद्युत आपके लिए दो मुंडे हो जाए यहाँ पे. ये इतनों से काम नहीं, दो और. कटप्पा कौन है? दो जन कम. यहाँ गर्ल्स वर्सेस बॉयज. बॉयज प्रेस में से आएंगे तो मजा आएगा. बिल्कुल प्रेस में से ही चाहिए हमें. कौन दो लोग हैं? अरे चांस पे डांस मारनी है, कम ऑन. चलो ठीक है, यहाँ पे वी हैव अच्छा आपको मिल गई उर्वशी, आपके लिए टीम में कोई है? परेश सर और किसको आप सिलेक्ट कर लो. चलो यहाँ पे विनोद आ जाइए. वो फोन पे he's like, see, one person has to come from the media यार, we want to see what you guys are all about. Come on. हाथ खींच के ले गया व्हाइट शर्ट में. वो तो फोन पे लगा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बट फोन पे हो. ओके चलो, वी गॉट समवन. ठीक है, सो यहाँ पे अभी हो जाए ये फेस ऑफ, है ना. सो कैन वी हैव द म्यूजिक. बन गई. लड़के ज्यादा अच्छे होते लड़कियां? अबे लड़कियां बोल, दोनों अच्छे होते. लड़कियां बोलना था ना हमको. तो विद्युत आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले प्लीज हमको ये बोलो, आप यहाँ पे हनी सिंह ने जो रैप किया है उस पे आप लिप सिंक कर रहे हो और मुझे पता लगा है सेट पे भी एकदम ऐसा हर समय चालू रहता था. योर थॉट्स ऑन द सेम? यार हनी सिंह इज लाइक अ लेजेंड एंड अ ब्रिलियंट गाय एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू जस्ट रैप एंड आई वाज लकी दैट ही वाज not there so that I could do it and bahut maza aaya. But first things first, I need to welcome Sukhbir. Yeah. And the whole nation is very proud that you're back, sir. Thank you. And and main jinko bhi bolta hu Sukhbir, aage to mile ki nahi mile, maine kaha yaar bahut lambe hai wo. And I have to tell you that we were on set, Urvashi and I and everybody, this man can move, and when he moves our Paresh has to stop. This man can really move very well. And that is true. I need to thank a lot of people, so let me just take this opportunity. Sukhbir, Meet Brothers, everybody. But the whole look had been put together by Akshay Tyagi, who's a stylist, and you can see it's looking fabulous. It is. Priya Gupta, thank you very much. You've been very, 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 very kind. Paresh and his team, the two lovely people you saw. So thank you, everybody. It was just an amazing experience working, and I hope we keep doing this. Well, talking about singles, इससे पहले दिल्लगी में हमने देखा रोमांस, वो इमोशन यू नो सब कुछ बाहर था. अभी एक्शन रोमांस और अब ये यहाँ सर डांस, मतलब क्या डैक्शन, ये पूरा मिक्सचर है डांस और एक्शन का यहाँ. हाँ मतलब जो लोगों को देखना वो सब दिखा देंगे यार, सब दिखा देंगे. वाह क्या बात है, अच्छा काम कर रहे हैं. उर्वशी दिस वंस फॉर यू. डांस करना इसमें और साथ ही डांस के साथ एक्शन करना, वो कितना अलग था और क्या था? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एंड ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन हियर. I have to convey my regards to Please. Certain people. I'd like to thank first and foremost my director Sam Ahmed, because I think it's his entire, like the whole idea. Well, we all have a reference picture in mind, and this single had a script, a sort of like, you know, a character, and he had this Angelina Jolie, Lara Croft in his mind, and I had my own reference picture on my mind, which was of a completely
a real badass girl, a girl who's very uncompromising and a very rough, tough girl. So I had a fun, most of all, I've been dancing since the age of 3, doing Bharatanatyam Kathak, but this was my very first attempt when it comes to sword fighting, and I completely enjoyed it with this hunk, with the Chambal. I feel I think he's the best co-star, and it's been so enriching experience to work with him. He's just so brilliant and super hardworking. He's been very supportive, people are loving the pair, and people are loving him, whatever he's done. So I think when the entire team is superb and great, even the result comes out to be great. Also, Sukhbir, we all have been very big fan of you, so, and it's a privilege that you especially came down from Kenya to shoot with us, and you're a fabulous dancer. Without any rehearsals, he was able to do those moves. I think that was really crazy. So thank you so very much for being part of our music album. Apart from that, I love you, Meet Rose. You are amazing. Harmeet and Munmeet. I think they have just added the charm in the entire video. Kumarji, thank you so much for being there. And Paresh, if you wouldn't have been there, I don't think so we would have managed to look so stylish, high on style, and whatever you're seeing us doing, like in terms of dancing, it's all Paresh. So Paresh, thank you so very much. Sam, again, thank you so very much. And last but not the least, I would like to thank T-Series family, Divya Ma'am, Bhushan Sir. I believe they're not here, but I'll always be thankful and very grateful to both of them. Thank you. Thank you so much. ऐसे लग रहा बोलते जाओ हम देख रहे हैं अच्छा लग रहा है मजा आ रहा था थोड़ा और दे रहा everybody is like हाँ चल रहा है अच्छा मजा आ रहा है okay and there was I forgot to mention Priya Gupta, the very beautiful person from In and Out. I think it wouldn't have been possible even without you, because you were the driving force behind Gal Ban Gayi. So thank you so very much. Thank you, Priya, for getting this gana back, yeah, and pura entire T-Series team. Sam, this one's for you. Aapki journey in log ke saath kitna pareshan kiya in log ne? Ya sab kuch normally nikal gaya? So they are the hardest working people these two. They train for about 2 weeks, action and dancing. Uh-huh. We had to design a new way to teach dancing to Vidyut, which was quite a fascinating experience working with him. I've learned a lot from both of these guys, especially their dedication. Lekin pehle to Sukhbir Paji, the song, thank you very much. Meet Bros, they're my brothers. Kumar Paji, thank you all for coming here. Priya, thank you. My partner in crime, Paresh, and I want to thank Bhushan Ji. थैंक यू सो मच मीट ब्रोज का जलवा हमने सुन लिया अभी देख भी लिया कुमार पाजी आपसे जानना चाहूंगा एक एक आइकॉनिक गाना इसको वापस से लाना और व्हेन वो लड़की वाली लाइन जो आती है सर वो कैसे सोचते हो आप मतलब वो व्हेन यू टेल मी मैं हॉट सोनी है हाँ मैं मतलब मैं वो कैसे फील करते हो आप मैं फील नहीं करता मैं मैं लिखता हूँ बस कहीं प्लान नहीं करता गाना के पीछे पहले तो भूषण जी का थैंक यू ये पूरी टीम कंबाइन की है उन्होंने प्रिया जी और सुखबीर पाजी से मेरी 16 साल पुरानी एसोसिएशन है मैंने इश्क तरह जड़पावे हमने गाना कमांडी किया जी फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ पाजी के लिए एक्चुअली मैं तो चाहता था कुछ ऐसा धंगामा हो जाए एक्चुअली आने वाले टाइम पे भी कुछ ज़बरदस्त करें तो मीत ब्रोज थैंक यू सैम और सबका थैंक यू और वो लाइन जो है ना वो आ जाती है मतलब फील नहीं करने की ज़रूरत नहीं है मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग फील करें लाइन इसकी सीक्रेट मैं बता देता हूँ जब भी कुछ अच्छी लाइन चाहिए होती है पाजी को चेक दिखा दो लाइन आ जाती है असलियत ये निकली है ऐसी भी कोई बात नहीं है वैसे मैंने पाजी कितना पाजी यार जो पहली बार मिले थे वो डायलॉग मतलब वो डायलॉग बताओ क्या बोला था आपने वो मेरा मुझ में कछु नहीं जो लागे सो तेरा पर रिकॉर्डिंग से पहले भैया तू चेक दे देना मेरा किल इट और क्या चाहिए इसके अलावा है ना सो नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस आप लोगों के सवाल जी प्रिया पॉन हो जाए You've done an English rap and a Punjabi rap also. Yes. So it's always very difficult to bring back a song. जो हम सब ने इस पे डांस किया होगा, I'm sure ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसने गल बन गई पे डांस नहीं किया था. और सुखबीर बाजी के साथ बहुत टाइम से we were planning to do something, वो क्लिक नहीं हो रहा था, but then भूषण जी called and said कि वो गल बन गई को दोबारा बनाते हैं.
तो जब भी वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो पहले तो घबराहट होती है, क्योंकि इतने बड़े गाने को वैसे हाई हील्स किया था हमने, नचांगे सारी रात, तो डर लगता ही है, बिकॉज सब लोगों का बड़ा प्यारा होता है गाना, उसको अगर आप सही नहीं बैठे तो फिर गालियां बहुत पड़ती हैं. तो हमने पाजी को सुनाया कि ऐसा ऐसा किया, एंड ही अप्रूव्ड इट, एंड ही सेड दैट आई लव इट. सो वी ऑल गॉट टुगेदर फॉर वन पर्सन, एंड दैट्स सुखबीर, बिकॉज ही इज द रियल रॉक स्टार. इट्स ऑल फॉर हिम. So obviously फिर थोड़ा सा एक अपना स्टाइल हम कहीं ना कहीं डालते हैं. So there's a rap which we did. इसके अंदर we have done one English rap which हमने जैसे चिट्टियां कलाइयां में भी अपना एक signature rap किया था. Definitely you have question तो होता है कि यार will it match what it was. Right. But I think they've worked really hard and made it much better. They've given it a new life, so to speak. It's not the old song. It's a brand new song. It is. और मेरे को as a token they've given me a very special role in the whole thing, and I really appreciate that because they've taken it to a new level and given it a very contemporary sound. Having Honey Singh on the track adds a lot of value, and then we have with you and Urvashi who make people like us look good. Right. So they're there, and thank you so much for being there and making it extra special. Meet brothers and Kumarji, tusi te jaan pa dinde ho har ek gaane de vich. First time I met Kumarji was over the phone. I'd never met him. Oh, check wari gal thodi galat hai thodi, kyunki he wrote Ishq without any money from me. And he wrote it in 2 minutes. Main ko tune hum kar raha tha aur ye likh rahe the, and 2 minute ke andar pura gana khatam kar diya. And ha wo gaane ki history aisi thi ki wo inhone jab mujhe gana diya to usme beat nahi thi, to main naya naya Punjab se aaya tha, na dimag hit mein na flop mein na acche na bure mein, to इन्होंने मेरी ट्यून डा रा 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 रा, मेरे को लगा बड़ा पैथोस है वो, जो हो पार्ट आता है ना उसमें मुझे लगे पैथोस निकल रहा है, तो मैंने सैड गाना लिख दिया. तो पाजी एक महीने के बाद वीडियो लेके आया, मैं कहा ये क्या बना दिया ये मेरे साथ, इन्होंने बोलना बंद कर दिया कि आपने ये बना क्या दिया है, मैंने तो सैड गाना लिखा था, आपने ये नाचने वाला गाना लिख दिया. लोग बट देन ही सेड ही अप्रिशिएट द फैक्ट कि एक सैड गाने को भी आप डांस गाना बना सकते हो. बट थैंक यू फॉर लिरिक राइटिंग सम अमेजिंग लिरिक्स. ਹੋ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ. ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ, ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ. छा गए पाजी, थैंक यू वेरी मच पाजी ये गाना देने के लिए. मुझे 6 साल के बाद पता लगा गाना इतना बड़ा हिट है, उससे पहले मुझे पता नहीं था गाना सच्ची. बहुत ही एक अच्छे इंसान है, कोई आर्टिस्ट जो इतने सालों से आज तक चल रहा है उसमें उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो इंसान कितना अच्छा है. तो ये हमें शुरू से बहुत पसंद थे, और जब भी मिले इन्होंने कभी हमें ऐसा, जब हम न्यू कमर्स थे तब भी इनसे मिलते थे, तो इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि ये बहुत बड़े स्टार हैं. तो इसलिए हम हमेशा इनके साथ कुछ करना चाहते थे. तो जब गाना जब बना तो फिर भूषण जी से हमारी ये बात हुई कि ये सुखबीर पाजी से गवाएंगे गाना. देखिए जब भी हम कोई गाना करते हैं उसके पीछे हमारा प्राइम मीत ब्रदर्स की जो इमेज है वो है पार्टी सॉन्ग्स और धमाल करना. और अभी वैसे ही वेडिंग सीजन आ रहा है नवंबर दिसंबर, तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान को चाहिए कि सब नाचे पंजाबी शादियों में. तो भूषण कुमार जी ने फ़ोन करा, उन्हें कहा गाना रिक्रिएट करना है, और इससे बेटर गाना क्या हो सकता है कि लड़का लड़की की गल जब बात बन जाती है तो उसकी उनकी शादी होती है. तो गल बन गई इज़ स्पेसिफिकली मेड फुल पार्टी धमाल, उसमें हनी सिंह है साथ में, हमारे सुखबीर पाजी हैं, नेहा कक्कड़ हैं, और हम लोग हैं. तो चार चार आर्टिस्ट मिलके एक गाना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोशिश पूरी है धमाल करने की. बाकी आप मीडिया वालों का प्यार रहेगा तो गाना जरूर चलेगा. बहुत सारे सॉन्ग को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो ऐसा कोई गाना है जिसको आप आपकी ख्वाहिश होगी रिक्रिएट होना चाहिए पुराने जमाने का, कोई एक गाना अगर आप गुनगुनाना चाहें या फिर उसके बारे में बताना चाहें. बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो एक्चुअली हम लोग रिक्रिएट मोस्टली वो वाले गाने करते हैं जिसमें हमको लगता है कि उसका एक पार्ट लेके हम नया गाना, जैसे हमने हाई हील बनाया था, तो हाई हील में हमने सिर्फ वो जो एक म्यूज़िक पार्ट था वो लेके पूरा गाना नया बनाया था, बाकी पूरा गाना नया था. नचांगे सारी रात में भी हमने यही किया था, और गल बन गए में भी हमने यही किया है. तो हमेशा कोई ऐसा पार्ट हमको अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर हम गाने बनाते हैं. हम दोनों के अपने अपने फेवरेट्स हैं, और हम 10 ओरिजिनल्स के बीच में कभी एक गाना भी कर देते हैं. जैसे एक आरडी बर्मन का गाना है, जाने जा जाने जा ढूंढता फिर रहा,
हूँ तुझे रात दिन मैं। तो ये गाने का रिक्रिएट करने का सपना है, बिकॉज ये ऐसी मेलेडी है जो यूथ ने, जो अभी 18 से 25 साल के बच्चे उन्होंने उनके टाइम पे नहीं था ये गाना, तो वी वुड लव टू डू दैट। पंजाबी गानों का ऐसा है कि पंजाबी गानों के अंदर एक बाउंस है नेचुरल, तो पब्लिक डिमांड से हिट हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उसको प्रमोट कराया गाना, उसके अंदर एक भांगड़ा आता है अपने आप, हर आदमी जो गांव में भी बैठा होगा वो भी अपने कंधे बैठे बैठे कंधे ऊपर नीचे कर सकता है, तो उसकी खासियत ये है पंजाबी गानों की, यूनिवर्सली लोग उस पर डांस करते हैं, इसलिए आई थिंक पंजाबी गाने, और हम लोग पंजाबी हैं तो इसलिए आज एक ठप्पा लग गया है कि कोई भी पंजाबी गाना करना हो, उसे हिट करना हो तो इनके पास चलो, तो वो हमारा कनेक्शन है ऊपर वाले की दया से। और हम लोग हर टाइप के गाने बनाते हैं, जैसे हमारा छम छम आया, पिंक लिप्स आया, तो हिंदी गाने थे वो, नचा फराटे, तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसी सिचुएशन हो उस तरह का गाना बनाएं। पंजाबी फनेटिक्स जो है वो बोली में बड़ा बाउंस है, जिसकी वजह से एक इकलौती ऐसी भाषा है पूरे हिंदुस्तान में जिस जो बॉलीवुड में जिसपे पिछले 15-20-25 साल से गाने बन रहे हैं यही, और बार बार बनते जाते हैं वो उसकी लैंग्वेज की वजह से। नचदे टपदे तेरे नाल सोनिया वे, खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे बाल सोनिया वे, चैन गया मेरा यार कनेडा, चैन गया मेरा यार कनेडा, निंदर लंदन गई, ओ मुंडिया दी कुड़िया दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई बन गई, ओ गर्ल इट्स अ रोमांटिक नाइट, बॉयज आर ग्रूविंग ऑन अ ग्रूव सो टाइट, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट, जस्ट गल बन जाने दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार मैंने तो बहुत मेहनत की एक्शन के लिए, मगर उर्वशी ने एक ही दिन में तलवार पकड़ी और घुमा के सबको इम्प्रेस कर दिया। सो बहुत मज़े आए, क्योंकि पहले तो सुखबीर के ट्रैक पे डांस करने का सपना बहुत लोगों का होगा, हम दोनों किस्मत वाले हैं कि हमारा ये सपना पूरा हो गया, एंड उर्वशी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डांसर्स दैट आई नो ऑफ पर्सनली, नाउ आई कैन से, एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल, सो इट वॉज ग्रेट फन वर्किंग विद हर। Well, I'm just so happy. Thank you so much, Vidyut, for all those kind words. I feel he's the next generation action hero. I mean, as for your... next generation, sunte-sunte, 2 saal ho gaye hain. Ab current ho gaye hain. Current, sorry. So he's very supportive and extremely professional, super hardworking, and at times very super, you know, he's always there. He'll always be there for you. I feel that he is the most... sought after, and I mean the action king, because I really love the kind of action he's done, and I think he has complimented me as well. So thank you so much, Vidyut. I mean it's a pleasure to have you in Gal Ban Gayi, and I mean I have no words for you. I go completely speechless when I have to talk about you, because I've been a big fan, not only me but my entire family is a very big fan. आपके गानों के तो Sukhbir rocks. Sukhbir rocks. ये पार्टी सॉन्ग है, खूब पार्टी करता हूँ, रोज पार्टी होती है, बहुत मजा आता है। हम तीनों रोज पार्टी करते हैं, सो वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड विद गल बन गई, विद गल बन गई। एक्शन ओ जी जी बिल्कुल भी नहीं, ये सेट पे फर्स्ट टाइम मैंने उस टाइम सीखा था कि कैसे स्मोक किया जाता है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी यंग चिल्ड्रन को या फिर जो भी मेरे साथ के हैं लोगों, बिकॉज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्लस एडिंग टू दैट आई वुड से कि कैरेक्टर के लिए करना पड़ता है। या वी आर एक्टर्स ऑल्सो, मेरे डायरेक्टर जो सैम है, सैम अहमद, उनके माइंड में था एक एंजेलिना जोली का लारा क्रॉफ्ट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। सो द कैरेक्टर इटसेल्फ इन गल बन गई वॉज अ कम्प्लीट रियल बैड एस गर्ल, एक बहुत ही बैड एस लड़की का कैरेक्टर था। Okay. Well, thank you so very much. I know there is an article that how Urvashi won the hearts doing the Beat Pe Booty challenge.
The Beat Pe Booty challenge was for Jacqueline Fernandez, Tiger Shroff, and for Remo D'Souza. Bina rehearsal ke kar diya inhone. And the classical twist tha. Gaana suna ekdam kar diya inhone. Koi rehearsal nahi ki, seedha. Nahi nahi nahi, wo sirf classical twist diya, wo kuch naya tha. Thank you. यार आप जिस जिस चीज में देखना चाहेंगे वो सब कर लेंगे हम सब कुछ अगर आपको चांस मिले उर्वशी के साथ पिक्चर करने का तो कौन सी पिक्चर करना है ट्रेलर रोमांटिक कौन सी अरे यार उर्वशी बहुत टैलेंटेड है बहुत ब्रिलियंट है उनके किसी भी तरह का कैरेक्टर जैसे उन्होंने बोला वो सिगरेट नहीं पीती हैं फिर भी उन्होंने कैरेक्टर के लिए पिया शी इज अ ब्रिलियंट प्रोफेशनल किसी भी तरह का कैरेक्टर कर लेंगे यार Yeah, yeah, obviously. I think the pairing looks great and people have been appreciating the pairing. So yeah, I've always loved working with him. I think Vidit is a fantastic co-star. See, Ambaradi Queen is for my fans because mera pehla single jo aaya tha, Yo-Yo Honey Singh ke saath tha. Also, I want to add up that Yo-Yo Honey Singh, I really miss you. I mean, we all miss you a lot. आपने जो भी रैप किया है इतने टाइम के बाद थैंक यू सो मच फॉर डूइंग रैप और ये जो नाम है मेरा ये यो यो हनी सिंह ने मुझे नाम दिया था अंबरा द क्वीन लाइक द मैनु जी में अंबरा द क्वीन सो इट्स बेसिकली फॉर हिम एंड फॉर ऑल माई फैंस तो गुस्ताखी हो जाएगी यार सुखबीर सर के हो तो हम लोग नहीं 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 गुस्ताखी इज लिसनिंग वेरी वेल ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई ओ बन गई गल बन गई ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई ओ लड़ गई अख लड़ गई लड़ गई ओए नचदे तपदे तेरे नाल सोणियां वे खुल के ब्लैक कलर के मेरे बाल सोणियां वे क्या बात है अरे अरे ओ माय गॉड यू अमेजिंग वॉइस थैंक यू Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. Start with you.